हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। न्यू लुक, न्यू चेहरा, न्यू डे और न्यू इवनिंग के साथ गुजरांवाला, ये कौन सा पीछे लगा हुआ है आपको? आपको अभी दिखाते भी हैं गुजरांवाला, वो लव आल्सो गुजरांवाला। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। व्यूअर्स, व्लॉग शुरू करने से पहले आपको बताते चलें, गुजरांवाला में एक न्यू चीज़ का इजाफा हुआ है कि गुजरांवाला मार्केट बाहर लगाया हुआ है बहुत बड़ा सा, लिख के आई लव गुजरांवाला। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं आगे चल के। लेकिन एक बात तो मैं आपको बताने ही भूल गया कि माल ऑफ गुजरांवाला का इफ्तिताह अभी तक नहीं हुआ, और इसकी एक वीडियो पहले भी हमने बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसने नहीं देखी वो उस लिंक पे क्लिक करके देख सकता है वो ओल्ड वीडियो। व्यूअर्स, इस माल का काम तकरीबन खत्म हो चुका है। नहीं, अब थोड़ा सा आपको और भी दिखाते चले। मैं सोच रहा था यहाँ से निकलते हैं और किसी और जगह जाते हैं, मैंने भी इसे, लेकिन ये फाउंटेन ने हमें रोक लिया है। अब आपको अंदर से भी दिखाते हैं थोड़ा सा। फाउंटेन ने नहीं, वो आई लव गुजरांवाला, वो तो इसकी खास बात है, लेकिन अब अंदर से आपको दिखाते हैं। अब आ ही गए हैं तो आपको और भी दिखाते हैं अंदर आके, पता चला कि ये तो आउटस्टैंडिंग। बट वाई, मेरा दिल कर रहा था। आपका दिल कर रहा? वो हार्डिस वालों की शॉप है, वहाँ पे चलते हैं। आई लव दिस रूम, कह रहा आई लव दिस रूम। इस रूम में क्या खास बात है? वो सी ये बाहर क्या भाई? ओहो, ये तो पाकिस्तानी ना है। अच्छा, ये सारा घूम लिया, इसके बाद कहाँ जाना है आपको? अब व्यूअर्स को बताते हैं कि हम एक और जगह जा रहे हैं और वहाँ चल के आपको मिलते हैं दोबारा। माल तो अभी बनाने जितना भी हुआ आपको दिखाया, खुद भी देखा जो है कि ये अच्छा लगा। और अब चलते देखते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन कौन सी हो, तो लेट्स सी। इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं एक प्लेस पे, जहाँ जिसका आपको सुभान भाई ने बताया था, ये प्लेस है मैजियो गुजरांवाला में। एक न्यू ओपन हुआ है एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट, और इसको ट्राई करने लगे हैं। आप देखते हैं कि मैजियो का किस तरह का है, और फिर मैजियो डिसाइड करके कोई चीज़ मंगवाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करें, और लाजमी से बताइएगा कमेंट करके, आज मैं प्याज भाई लग रहा हूँ कि नहीं। और ये आ गया जी हमारे पास व्यूअर्स मेन्यू। अब देखते हैं जी इसमें कोई सस्ती सी हम गरीबों के लिए कोई चीज़ भी है कि नहीं। भाई सबसे सस्ती मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली है चिकन टिक्का एक्स्ट्रा लार्ज 16 इंच, यानी पिज़्ज़ा ही है। यह पिज़्ज़ा भी सस्ता ही है, 40-70 माल 720 का। मैंने बर्गर का प्रोग्राम है मेरा, वैसे ये देखा था मैंने पहले, ये ठीक है 220 का ये वाला ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। साथ में ड्रिंक कौन सी है? मेरे ख्याल से ये वाली डील है, किनकी वो डील लगवा लेते हैं, ये वाली दो बर्गर और साथ में ये वाली करवानी है। हाँ,
चलो ये करवा लो फिर। और व्यूअर्स डील का ऑर्डर वगैरह हमने दे दिया, अब बर्गर आएगा तो टेस्ट करते हैं। अभी हमें इन्होंने बताया था कि ये इसकी एक ब्रांच पहले सियालकोट में ओपन हुई है, अब सेकंड जो है वो गुजरांवाला में ओपन हुई है, और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और आप लोग तो यही सोचते होंगे हम हर ब्लॉग में अपने खाना ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खाना मकसद नहीं था, यहाँ पे दिखाना मकसद है कि ये गुजरांवाला में एक न्यू मतलब फास्ट फूड का रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, और हम इन्हें तो गुजरांवाला का एक्सप्लोर करना है, इसलिए सोचा साथ वीडियो भी बन जाएगी और साथ पेट पूजा भी हो जाएगी। तो अभी वेट कर रहे हैं, आता है आपको भी दिखाते हैं भूखे मारे क्या हाल है। और ये लीजिए हमारा जो ऑर्डर था मैजियो का क्रिस्पी बर्गर, वो आ गया। सुफियान भाई ने ऑर्डर ग्रिल्ड बर्गर का दिया था, ग्रिल्ड भी आ गया, तो ये खोल के देखते हैं। बर्गर तो देखने में अच्छा लग रहा है, चलें अभी इसे खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और ये मिल गई जो साल कोल्ड ड्रिंक डील थी, और साथ मैजियो के सट्रा भी। और ये सुफियान भाई ने बिल दिया है जितना भी बना है आज, इसकी तरफ से मेरे ख्याल से पार्टी थी। देखें, हाँ भाई बिल हो गया। हेलो, पर देखा आपने मैजियो का मेन्यू और मैजियो का जो बर्गर था ना, वो तो हमने बताना था आपको कि कितना अच्छा है, और वाकई बहुत अच्छा था मैजियो का बर्गर। एक नई फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन हुआ था गुजरांवाला, अच्छा बहुत ही आला टेस्ट है। और अगर आप गुजरांवाला से गुजरते हो तो लाजमी से ट्राई कीजिएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है उसका भाई। उसे तो हल्का ही है ना, क्या नाम है उसका, आदीज हरदीस। 900 का बर्गर वहाँ। तो फिर कल मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हर चीज़ ना भूलिएगा, और इसको अपने दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो फिर अल्लाह हाफिज़।